लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। 53वें निरंकारी समागम का नासिक में शुभारंभ। सदगुरु माता सुदीक्षा का आह्वान, नफरत की दीवारें तोड़कर बनाया प्रेम का पुल। नासिक में शनिवार की सुबह अनेकता में एकता और सद्भावना का दर्शन कराती शोभा यात्रा और भव्य झांकी के साथ 53वें निरंकारी समागम का शुभारंभ हो गया। फूलों के रथ पर सवार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में निकली शोभा यात्रा शहर का परिभ्रमण करते हुए समागम स्थल पर संपन्न हो गई। फूलों के रथ पर सवार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने शोभा यात्रा में भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया। महाराष्ट्र के 3 दिवसीय समागम के शुभारंभ पर मानवता के नाम अपने संदेश में सदगुरु माता ने भेदभाव और नफरत की दीवार गिराकर प्रेम का पुल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों का मन दुखाने की बजाय उनके आंसू पोंछने चाहिए, क्योंकि संसार में मानव को घृणा की नहीं बल्कि प्रेम की आवश्यकता है। उन्होंने निरंकारी समागम को प्रेम, सद्भावना और इंसानियत सीखने का माध्यम बताते हुए सबको अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। सात संगत जी, प्यार से कहना धनगार जी, महाराष्ट्र के ये 53rd संत समागम पे जहाँ हम सब इस बार इसको नासिक शहर में ये इसका आयोजन हो रहा है, तो आज यहाँ पे भी कोई अलग बात नहीं हो रही। बात वही जो युगों युगों से संतों ने कहा है कि ये दुनिया इतनी सुंदर है तो इसमें रहने वाले जो मनुष्य हैं वो भी असली रूप में एक मनुष्य का ही जीवन जिए। जो मनुष्य का शरीर है तो खूबियाँ भी, वो क्वालिटीज़ भी, ह्यूमन वैल्यूज़ एक होनी चाहिए। कि कैसे ये संसार में सिर्फ प्यार की जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमने अपने दिल में ये नफ़रत क्यों पैदा की हुई है। ये हमारे मन में जहाँ भाव दूसरों के आंसू पोंछने के होने चाहिए क्यों हम उनको चोट दे रहे हैं। तो कैसे हमने अपने ऊपर एक फोकस करना है। इधर महाराष्ट्र की धरती पे भी बहुत ही संत आए हैं युगों युगों से, और वही बात आज हम इस समागम में भी एक दोहरा रहे हैं, एक सीख रहे हैं वही गुण कि कैसे ये दुनिया को ये एक मन में एक दूसरे से जो दीवार खड़ी कर ली है बीच में, उस दीवार को तोड़ा जाए और एक प्यार रूपी पुल बनाया जाए कि एक मन से दूसरे मन तक पहुंचने का वो रास्ता बने। कैसे ये भिन्न भिन्न चाहे दिखने वाले अलग आकार के, भाषा अलग, कल्चर अलग, वस्त्र अलग, पर फिर भी कैसे ये जो हर एक के मन में ये परमात्मा है, ये जो इसका अंश है, जो हम इस परमात्मा का अंश हमारे अंदर, तो कैसे हमने उसी को ही जानना है पहले। और जब अपना असली पहचान हमें हो जाएगी ये परमात्मा की पहचान होने पर, तो कैसे इसको जानकर फिर हम ये भक्ति को भी शुरू कर सकते हैं। और भक्ति का जीवन फिर एक कोई कार्य के तरह नहीं होगा, वो जीते जागते हम एक चलते फिरते एक हर समय कोई भी अपनी दुनियावी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मना रहे होंगे तो भी वो भक्ति ही का ही हिस्सा होगी। कैसे पल पल जो सांस ले रहे हैं इस परमात्मा प्रभु निरंकार को याद करके, तो वो सांस सांस में हमारी भक्ति होगी। तो कैसे हमने सिर्फ शुरुआत अपने आप से करनी है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, और फिर इस संसार में कोशिश करके कि ये जो ब्रह्म ज्ञान रूपी उजाला मिला है हमारे जीवन में, ये तब्दीली आई है, तो कैसे इस रोशनी को और भी जगह जगह पहुँचाएँ। सात संगत जी, धन्यवाद जी।